आज का हमारा एडवेंचर टूर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर रिचिया में। यहाँ पे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं रॉक का, तो यहाँ से अभी अंदर जाना है। तो आप मोटे हो तब भी आप निकल जाओगे। लाइक नहीं, लाइक तो मुझे झपका रहा। ये जो देख रहे हो ये भीम के पैर के निशान है, ये पूरा, और ये भीम यहाँ पे बैठते थे इसके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर डिवाइन इंडिया, और मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। आज का हमारा एडवेंचर टूर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो बड़ौदा से करीब 60 किलोमीटर दूर और पावागढ़ हिल से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रिचिया गांव है, वहाँ पर आया हुआ है। तो मेरे सामने ये जो पेड़ और ये सब हरियाली देख रहे हो, ये एक हिडिंबा वन है, जो महाभारत के टाइम से जाना जाता है और आज भी इसे हिडिंबा वन के नाम से ही पहचाना जाता है। और हिडिंबा वन बहुत ही बड़ा है और गुजरात के बहुत से हिस्सों में ये कवर करता है। पावागढ़ हिल से बड़ोली रोड तक आप जाओगे तो आपको आर्कोलॉजिकल साइट देखने मिलेगा चंपानेर फोर्ट का, और साथ ही वहाँ पे लेके जहाँ से आपको पावागढ़ हिल का बहुत ही अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा। फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर रिचिया में। तो यहाँ पे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं रॉक का, वहाँ पे ही जाना है, अंदर जाना है केव के अंदर। तो ये मेरा दूसरा टाइम है, कल आया था और आज भी आया हूँ। कल आके वीडियो शूट करके गया था मैं, लेकिन बाद में पता चला घर पे जाके कि मेरा वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो केबल ख़राब हो चुका था। तो रात को नया केबल लेके वापस आज वीडियो शूट करने आया हूँ। तो ऐसे सब हालत होती रहती है, कभी कभी बैड लग होता है। तो यहाँ पे रिचिया गांव है, वहाँ से आपको छोटा सा रास्ता यहाँ पे डाइवर्ट होता है, और यहाँ पे जो बड़े से रॉक के फॉर्म में माउंटेन है, बड़े बड़े रॉक है, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। तो कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव आए थे, और यहाँ पे महादेव का मंदिर है और पांडव के निशान है, खास तौर के भीम के। यहाँ पे भीम का निशान है पैर का और हाथ का, वो मैं दिखाता हूँ मैं अंदर जाके। और पावागढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे रेयरली कोई आता है, कोई ज़्यादा आता नहीं है यहाँ पे। और महाभारत के टाइम में ये हिडिंबा वन था, और हिडिंबा वन बहुत ही बड़ा था, करीब आज के डेट में भी ये बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से जाने के लिए रास्ता है,
यहाँ पे जीव जंतु का आवाज आप सुन सकते हो। आप अकेले आते हो तो पहली बार थोड़ा सा डर लगेगा थोड़ी देर के लिए। बड़े बड़े रॉक इतना बड़ा रॉक है यहाँ पे। तो यहाँ से अभी अंदर जाना है तो चलो जाते हैं। तो आप मोटे हो तब भी आप निकल जाओगे, थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी केव है, छोटा सा सिर्फ जगह है यहाँ से। अभी अंदर जाते हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग अंदर आ चुके। लाइट नहीं, लाइट तो मुझे नहीं झपका रहा। अभी हम लोग केव के अंदर है, अभी लाइट थोड़ी देर में आ जाएगा। हम लोग यहाँ से आए थे और यहाँ पे महादेव का मूर्ति है, शिवलिंग है यहाँ पे नंदी महाराज शिवलिंग हर हर महादेव। और यहाँ पे भी शिवजी और माता पार्वती और वहाँ पे भी शंकर भगवान है और वहाँ पे बैट है, पीछे ढेर सारे बैट है वहाँ पे। तो यहाँ पे लाइट आने के लिए जगह है, यहाँ से उस तरीके से बनवाया यहाँ पे। और यहाँ पे भीम के पैर के निशान, ये जो देख रहे हो ये भीम के पैर के निशान है, ये पूरा ये इतना बड़ा। और यहाँ पे छोटे पैर के निशान, ये भी चूना लगा दिया है इसलिए थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, लेकिन अभी यहाँ से आपको दिख रहा रहेगा। ये बड़े पैर के निशान, ये छोटे पैर के निशान है। और यहाँ पे भी नीचे पैर का निशान है, भीम का है। और यहाँ पे उंगली का निशान है, ये जो आप तीन देख रहे हो जैसा वो उंगली के निशान है। और यहाँ से भी हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन के लिए जगह है, तो उस तरीके से बनवाया है। और यहाँ पे भीम के हाथ का निशान, पाम का निशान आप देख सकते हो, ये अंगूठा और ये उंगली। और ये भीम यहाँ पे बैठते थे इसके ऊपर। आसन है उनका, ये उनका आसन है। आसन है आसन, बैठने के लिए आसन। और यहाँ पे
यहाँ पे एक केव है छोटा सा, लेकिन ये बहुत अंदर तक जाता है, ये बहुत अंदर तक जाता है। तो यहाँ पे बहुत अंदर तक जाता है ये, तो यहाँ पे छोटा सा केव है। तो यहाँ पे म्यूजिकल रॉक है, यहाँ पे पांच पत्थर है जो अलग अलग साउंड निकालते हैं, और उसके पीछे ढेर सारे बैठे, और वो बहुत ही अंदर तक केव है, वो भी कोई जाता नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे केयर टेकर है सनी भाई, वो बताएंगे। ये नॉर्मल रॉक है, तो यहाँ पे आवाज नहीं आएगा। तो यहाँ पे केव है जो बहुत अंदर तक जाता है, लेकिन कोई जाता नहीं है वहां पे अंदर कोई। और यहाँ पे ढेर सारे बैट है, आप आवाज सुन सकते हो। अभी लाइट नहीं है, ना लाइट रहता तो दिख सकता था बैट, लेकिन ज्यादा फ्लैश मार भी नहीं सकता मैं, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे भोले बाबा है यहाँ पे, और ये रॉक भी नंदी महाराज की तरह है रूप में। और यहाँ पे माता पार्वती और महादेव, और यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे भीम पूजा कर देते हैं, गणपति बाप्पा नंदी महाराज। और रेयरली कोई यहाँ पे आता है, कोई ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि ये जंगल में है और ज़्यादातर किसी को पता नहीं है। तो आपको अकेले आप आओगे तो थोड़ा सा डरावना लगेगा, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद आदत हो जाएगी, मीन्स डर निकल जाएगा। यहाँ पे अंदर रहता ही है कोई ना कोई, एक आदमी तो रहता ही अंदर। लाइट कभी कभी जाती है, अभी हवा की वजह से वो हो रहा है वायरस। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, तो यहाँ पे और दो जगह है मेडिटेशन करने के लिए, यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अंदर बैठ के मेडिटेशन करते थे जिनको करना है। छोटा सा जगह है लेकिन अंदर से बहुत ही बड़ा है, ये देख रहे हो, ये अंदर से बहुत बड़ा है। यहाँ पे बैठकर मेडिटेशन कर सकते हो, और यहाँ पे भी इस तरीके से। तो यहाँ पे यज्ञ हवन करने के लिए, और हनुमान जी और काल भैरव दादा, और यहाँ पे काल भैरव दादा सिगरेट पीते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारी सिगरेट है। अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ से भी बहुत ही अच्छा सा व्यू देखने मिलेगा। यहाँ से जाते हैं, ऊपर तक पहुंच चुके हैं। आप यहां से व्यू देखिए, यहां से पावागढ़ व्यू है, वहां पे पावागढ़ है, और पावागढ़ से करीब 15 किलोमीटर दूर है
रिचिया गांव में, जो छोटा सा गांव है वो सामने देख रहे हो, छोटा सा गांव है वो, तो वहाँ पे ही है। और ये पूरा जंगल ही है, आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जंगल है। और एक टाइम पे ये हिडिंबा वन है, एक टाइम पे हिडिंबा वन था और आज भी हिडिंबा वन से नाम से ही जाना जाता है। लेकिन हिडिंबा वन बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे बहुत ही हिडन टेम्पल है यहाँ पे। और कहा जाता है, हम सबको पता है कि जब नक्षाग्रह में जब जलाने की कोशिश की थी उसके बाद पांडव और कुंती माता हिडिंबा वन में आए थे और यहाँ पे भीम की शादी हुई थी और यहाँ पे घटोत्कच का जन्म हुआ था। यहाँ पे मतलब इस जगह पे नहीं, मतलब इसी हिडिंबा वन में। ओके, ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, आपने एंजॉय किया रहेगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये इस जगह के बारे में लोगों को पता चले। और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और ऐसे ही हिस्टोरिक टेम्पल में आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।